बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ मिल सकें। अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपको, जिस तरह मेरे टेबल पे बेसन पड़ा हुआ है, पालक पड़ी हुई है, आज मैं आपको पालक वाले पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये हाफ गट्ठी के करीब मैंने पालक लिया है, इसको बारीक काट लिया है। एक अदद मैंने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ली हैं 6 से 7 अदद, और मैंने 1.5 पाव के करीब बेसन लिया हुआ है छना हुआ, 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पीसी हुई ली है, 1.5 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है पिसा हुआ, 1.5 टीस्पून साबुत धनिया मैंने साबुत धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी है। इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे मसाले मैं बेसन में शामिल कर देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनने जा रहे हैं। मैं प्याज शामिल करूँगी, फिर मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ और पालक शामिल कर रही हूँ। पहले मैं इसको मिक्स करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बने पालक वाले पकौड़े। पालक शामिल कर रही हूँ, अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मसाला मेरा मिक्स हो गया सारा। के अंदर मैंने ऑयल डाला है, मैंने इसमें 4 कप के करीब ऑयल डाला है, आधी कढ़ाई मेरी ऑयल की है। ये जैसे ही गरम हल्का सा लाइट गरम होता है तो फिर आपने इस तरह देखना है, हमेशा इसको इस तरह देखना है कि हमारा ऑयल गरम हो गया है। ये हमारा ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसमें पकौड़े शामिल करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी इफ्तारी के लिए पकौड़े बनने जा रहे हैं। देखिए हमने ये पकौड़े डाल दिए, हमारे पकौड़े देखें अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ये देखें कितने अच्छे पकौड़े बने हैं हमारे, ये अब अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो जब ब्राउन से हो जाएंगे फिर मैं इसको प्लेट में डिश कवर करूँगी। पकौड़े हो गए, अब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बने हैं, ये देखने में ही जो पकाया थे ये भी मैंने इसमें डाल के अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखें हमारे पकौड़े तैयार हो गए हुए, और इसको केचप के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं, जिस तरह भी शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।